दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज पहला T20 मुकाबला खेला गया, जहां ये मुकाबला इतना ज्यादा रोमांचक था कि दर्शकों ने मुकाबले के रोमांच को देखते हुए अपने नाखूनों को चबाते चबाते छोटा कर लिया। जी हाँ, तो वहीं हार्दिक पांड्या ने पारी के अंतिम ओवर में खौफनाक बल्लेबाजी से कंगारू गेंदबाजों का दिल दहला दिया। बताएंगे हार्दिक पांड्या की पारी के साथ साथ इस रोमांचक मुकाबले की पूरी रोंगटे खड़े कर देने वाली हाइलाइट्स के बारे में, तो जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या और युवराज सिंह में कौन है खतरनाक ऑलराउंडर, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला T20 मुकाबला बहुत ही शानदार तरीके से खेला गया, जहां मोहाली के स्टेडियम पर खेले गए इस मुकाबले में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरोन फिंच ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हालांकि भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने कप्तान रोहित शर्मा और केएल राहुल आए, लेकिन दोनों ने पहले ओवर में मात्र 4 रन बटोरे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से दोनों ने रफ्तार पकड़ी, उसके सामने तो राजधानी एक्सप्रेस भी फेल होती दिखाई दी। लेकिन जोश हेजलवुड की गेंदबाजी के सामने तीसरे ओवर में रोहित शर्मा को अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाना पड़ गया। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा 9 गेंदों पर 1 छक्के और 1 चौके की मदद से 11 रन की पारी 124 के स्ट्राइक रेट से खेलने के बाद एलिस के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने विराट कोहली आए, लेकिन विराट कोहली ने इस मुकाबले में सभी को निराश कर दिया, जहां 5वें ओवर में नेथन एलिस की गेंद पर ग्रीन के हाथों वो मात्र 7 गेंदों पर 2 रन बनाकर कैच आउट हो गए। और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव आए और पावर प्ले में 46 रन 2 विकेट के नुकसान पर देखने को मिला। तो वहीं पर केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर 3rd विकेट के लिए 68 रन की शानदार साझेदारी कर भारतीय टीम को राहत दिलाई। और इस बीच 11 ओवर में केएल राहुल ने वापसी करते हुए 32 गेंदों पर अपना अंतर्राष्ट्रीय T20 का 18वां अर्धशतक जड़ दिया। लेकिन उप कप्तान केएल राहुल पारी को ज्यादा देर तक आगे ले जाने में नाकाम रहे, जहां पर 12वें ओवर में जोश हेजलवुड की गेंद पर नेथन एलिस के हाथों कैच आउट हो गए, जिसमें केएल राहुल ने 35 गेंदों पर 4 चौके और 3 छक्के की मदद से 55 रन की पारी खेली। और इस बीच उनका स्ट्राइक रेट 158 का रहा। लेकिन अब बल्लेबाजी करने हार्दिक पांड्या आए तो पीछे पीछे सूर्य कुमार यादव भी पवेलियन को लौट गए। जी हां दोस्तों, 13वें ओवर में एडम जंपा को लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ने वाले सूर्य कुमार यादव अगले ओवर में ग्रीन की गेंद पर विकेट कीपर मैथ्यू बेट के हाथों कैच आउट हो गए और सूर्य कुमार यादव अर्धशतक लगाने से चूक गए। आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव ने इस बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए 25 गेंदों पर 2 चौके और 4 छक्कों की मदद से 46 रनों की पारी 185 के स्ट्राइक रेट से खेली, जिसके बाद पारी को संभालने अक्षर पटेल आए। लेकिन पारी के 16वें ओवर में अक्षर पटेल भी नेथन एलिस की गेंद पर ग्रीन के हाथों कैच आउट हो गए और इस बीच अक्षर पटेल ने 5 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 120 के स्ट्राइक रेट के साथ 6 रन की पारी खेली, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए भारत के बल्लेबाज यानी कि सबसे बेहतरीन बल्लेबाज पारी को समाप्त करने के लिए दिनेश कार्तिक आए, जिस काम के लिए दिनेश कार्तिक को भेजा गया था आज दिनेश कार्तिक ने पूरा ही नहीं किया और 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर नेथन एलिस के द्वारा LBW के शिकार हो गए, जहां दिनेश कार्तिक ने 5 गेंदों पर 120 के स्ट्राइक रेट के साथ 6 रन बनाए। तो वहीं बल्लेबाजी करने हर्षल पटेल आए, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या ने चौका लगाकर 25 गेंदों पर अपना अर्धशतक यानी कि दूसरा अर्धशतक पूरा किया और वहीं पारी की समाप्ति हार्दिक पांड्या ने इतने बेहतरीन तरीके से करी कि जिसका अंदाजा शायद भारतीय टीम को खुद नहीं होगा। जहां हार्दिक पांड्या ने पारी के अंतिम 3 गेंदों पर 3 छक्के लगा दिए और इसी के साथ भारतीय टीम ने 20 ओवर में 208 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना दिए, जिसमें भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए 200 का आंकड़ा पार किया, जिसमें भारत की तरफ से हर्षल पटेल ने 4 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 175 के स्ट्राइक रेट के साथ 7 रन की नाबाद पारी खेली। तो वहीं दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या ने 30 गेंदों पर 7 चौके और 5 छक्के की मदद से 237 के स्ट्राइक रेट के साथ 71 रन की नाबाद पारी खेली, जो कि T20 में हार्दिक का सर्वाधिक स्कोर रहा और 209 रनों का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया की टीम को दे दिया। जहां ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने कप्तान एरोन फिंच और कैमरॉन ग्रीन आए, जहां पहली ही गेंद पर एरोन फिंच ने छक्का लगाकर अपना और अपनी टीम का खाता खोला। इसके अलावा दूसरे ओवर में उमेश यादव को शुरुआती 4 गेंदों पर 4 चौके ग्रीन ने लगा दिए और ये बल्लेबाजी यहां पर नहीं रुकी। अगले ओवर में भुवनेश्वर कुमार को भी 3 चौके जड़ दिए, लेकिन अंततः अक्षर पटेल ने 4थे ओवर में एरोन फिंच को 13
गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 22 रन की पारी खेलने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए स्टीव स्मिथ आए और पावर प्ले में भारतीय टीम के सामने ऑस्ट्रेलिया ने ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी करते हुए 79 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना लिए। तो दोस्तों, भारतीय टीम की बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।